इस समय हम टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जो सरोर टोल प्लाजा। लोगों का कहना है कि ये इलीगल टोल बनाया गया है, जब सरकार ने इसको झूठा करार दिया है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है, आज तक टोल प्लाजा को उखाड़ा नहीं गया। आई यहाँ पर अपनी पार्टी के तमाम लीडर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये इलीगल टोल प्लाजा है, और कई पार्टियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तमाम लोगों के साथ बातचीत करते हैं और जाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे एहतजाज करने के लिए आए, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से कि ये टोल प्लाजा खत्म हो सकता है? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, आज जो हमने यहाँ प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने रखा है, ये हमारा जो प्रोटेस्ट है, एक तो ये केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी जो है ये टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए। ये जो टोल प्लाजा यहाँ पे लगा हुआ है, ये टोल प्लाजा इलीगल है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ जेब लोगों की लूटी जा रही है, यहाँ ट्रांसपोर्टरों को तंग किया जा रहा है, और 20 लाख के करीब डेली यहाँ पे जो है इलीगल ग्राई की जा रही है। कुछ यहाँ के नेता वो इनके साथ मिले हुए हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिले हुए हैं जिनको महीना जाता है, और ये इलीगल टोल प्लाजा यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं को जो आज से 5-6 साल पहले यहाँ टोल प्लाजा का विरोध करते थे, अब जब केंद्र सरकार ने खुद माना है कि ये टोल प्लाजा इलीगल है, तो फिर ये टोल प्लाजा यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ये इसको बंद नहीं करती? दूसरा हमारा जो नज़ारा है, ये जो नेशनल हाईवे जो है ये जो वाइडन किया जा रहा है, यहाँ जो लोगों की ज़मीनें ली जा रही हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को उनकी ज़मीनों का सही मूल्य नहीं दिया जा रहा, इसके लिए हमने सांबा में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास धरना दिया कि आप लोगों की ज़मीनें तो ले रहे हो, लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, लेकिन उनको आप एग्रीकल्चर का रेट दे रहे हो, यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, बिजनेस खुले हुए हैं, आप उनको भी जो है वो एग्रीकल्चर रेट दे रहे हो, ये किसानों के साथ दुकानदारों के साथ तो क्या उम्मीद है आपको सरकार से? कई बार आपने हमें इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, ये लुटेरी सरकार है, ये लोगों को लूट रही है, मार रही है, लोगों की जमीन जो जेब खाली कर रही है, रोज पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, रोज डीजल का रेट बढ़ा रही है, गैस सिलेंडर महंगा कर रही है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। लिहाजा आज हम यहाँ जो पुरमन धरना यहाँ दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कि यहाँ पे ये टोल प्लाजा बंद किया जाए, लोगों को लूटना बंद किया जाए। ये 20 लाख रुपया रोज यहाँ पे नजायज इकट्ठा कर रहे हैं, जो यहाँ पे कुछ नेताओं को जाता है, एक्स मिनिस्टरों को जाता है, जिन्होंने जो कभी आज से 10 साल पहले भीख मंगे थे, आज अरबपति बन गए हैं वो लोग। उन लोगों की जायदाद भी देखनी चाहिए। ये सरकार छोटे छोटे मुलाजमों को तंग करती है, ये जो करप्ट पॉलिटिशियन है इनकी जायदादें चेक करे, इनके पास पैसे कहाँ से आए, ये टोल प्लाजा जो है ये इलीगल है। आज हम यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, ये कहने आए हैं सरकार को, एलजी सरकार को, कि जब गडकरी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं लगेगा, तो ये तो नगरोटा से 48 किलोमीटर भी नहीं है, इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो ज़मीनें लोगों की ले रही है एक्सप्रेसवे के नाम पे, लोगों को पैसा नहीं दे रही, लोगों को कोड़ियों के बाद ज़मीन उनकी ले रही है। हम चाहते हैं कि लोग, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, लेकिन दुकानदारों को सही रेट दिया जाए, नेशनल हाईवे के मुताबिक बीजापुर में कोई रेट है, कठुआ में कोई रेट है, जख में कोई रेट है, ठंडी खुई में कोई रेट है, त्रोड़ में कोई रेट है, मीन चारका में कोई रेट है, नेशनल हाईवे तो नेशनल हाईवे है। हम चाहते हैं यकसा किस्म का रेट दिया जाए, कोई रेट में कमी ना की जाए, लोगों को सही रेट दिया जाए। हमारी डिमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि दुकानदारों को सही रेट दिया जाए, नेशनल हाईवे में फर्क ना रखा जाए कि मीन चारका में आप 14 लाख दे रहे हो, बीजापुर में 90 लाख दे रहे हो, ये दुकानदार जो उजड़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम सरकार को कहते हैं, हम टोल प्लाजा, हम ये ज़मीन लेने के खिलाफ नहीं हैं, और ये जो टोल प्लाजा है ये इलीगल है, ये टोल प्लाजा सरकार ने कहा है इलीगल है, तो फिर क्यों लोगों को लूटा जा रहा है? इसके लिए हम ये आज सरकार का ध्यान इधर लेने के लिए, हम उन लोगों में नहीं हैं
जो न्यूसेंस पैदा करेंगे। हम उन लोगों में नहीं है जो रोड ब्लॉक करेंगे। हम गर्मियों में लोगों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम आवाज़ बुलंद करें, हम सरकार को मजबूर करें कि सरकार लोगों को तंग ना करे, सरकार लोगों की जेब ना छीने। गरीब लोगों को आगे ही कोविड ने मार दिया, ट्रांसपोर्टर आगे ही मरा हुआ है, आप उसके बावजूद ये इलीगल टोल प्लाजा लगा के ट्रांसपोर्टरों को लूट रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज यहाँ पुरमन मजारा और इस किस्म के मजारे हमारे जारी रहेंगे जब तक ये टोल प्लाजा नहीं हटेगा और जब तक लोगों को जो है उनके जायज़ हक दुकानदारों को नहीं मिलेंगे, इनको सही रेट नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है यहाँ पे हम किसी भी किस्म का ये अन्याय नहीं होने देंगे। जब तक दुकानदारों को गवर्नमेंट सही रेट नहीं देगी तो हम दुकानदारों को उजड़ नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है इनकी लड़ाई लड़ेगी, कोर्ट में भी लड़ेगी और लोगों की अदालत में भी लड़ेगी। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। तब तक तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, अब जनता डिसाइड करेगी। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सरोर जो टोल प्लाजा है इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों का कहना है कि हमें काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अपडेट हम आप लोगों को सरोर टोल प्लाजा का दे रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं जेटीयू की अपडेट।